नमस्कार बच्चों, आशा करती हूँ आप लोगों को इन दिनों अपनी ऑनलाइन कक्षाओं को पढ़ने में मज़ा आ रहा होगा। इसमें एक नए तरीके से आप पढ़ना और समझना शुरू कर रहे हैं और उनका रिस्पांस भी दे रहे हैं। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। जो भी गृह कार्य आपको दिया जाता है, आप उसे उसी दिन पूरा करके अपने ग्रुप पर भेजें। बच्चों, कल हमने इस कक्षा के अंतर्गत पत्र लेखन सीखा था। पत्र लेखन के अंतर्गत हमने जाना कि पत्र दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक पत्रों के अंतर्गत हमने कल अभ्यास कार्य किया था और आज हम जानेंगे अनौपचारिक पत्रों के बारे में। अनौपचारिक पत्रों को हम अपने संबंधियों और मित्रों को लिखते हैं, जिनमें हम विशेष प्रकार की औपचारिकताओं को पूरा नहीं करते। इसके लिए सबसे पहले हम प्रेषक का पता लिखते हैं और फिर जिस प्रकार औपचारिक पत्रों में विषय लिखा जाता है, अनौपचारिक पत्रों में हम विषय नहीं लिखते हैं, सीधे व्यक्ति को संबोधित करते हैं। जैसे अगर हमें अपने मित्र को पत्र लिखना है, प्रिय मित्र। अगर पिताजी या अन्य संबंधी को पत्र लिखना है, आदरणीय पिताजी, आदरणीय चाचा जी, दादाजी या जो भी हमारा संबंध है। इसके पश्चात हम अपनी बात कहना आरंभ करते हैं, उनकी कुशलता पूछकर और अपनी कुशलता बताकर। फिर विशेष रूप से जो मेन कारण हमारे लिखने का है, वह कारण उस पत्र में हम बताते हैं। आखिर में परिवार के अन्य सदस्यों को नमस्कार करते हुए, छोटों को प्यार करते हुए पत्र का अंत करते हैं और आपका प्रिय पुत्र, प्रिय बेटा, अपना संबंध बताते हुए नमस्कार करके अपने पत्र को पूर्ण कर देते हैं और इस प्रकार हमारे अनौपचारिक पत्र लिखे जाते हैं। नमस्कार बच्चों, आशा करती हूँ आप लोगों को इन दिनों अपनी ऑनलाइन कक्षाओं को पढ़ने में मज़ा आ रहा होगा। इसमें एक नए तरीके से आप पढ़ना और समझना शुरू कर रहे हैं और उनका रिस्पांस भी दे रहे हैं। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। जो भी गृह कार्य आपको दिया जाता है, आप उसे उसी दिन पूरा करके अपने ग्रुप पर भेजें। बच्चों, कल हमने इस कक्षा के अंतर्गत पत्र लेखन सीखा था। पत्र लेखन के अंतर्गत हमने जाना कि पत्र दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक पत्रों के अंतर्गत हमने कल अभ्यास कार्य किया था और आज हम जानेंगे अनौपचारिक पत्रों के बारे में। अनौपचारिक पत्रों को हम अपने संबंधियों और मित्रों को लिखते हैं, जिनमें हम विशेष प्रकार की औपचारिकताओं को पूरा नहीं करते। इसके लिए सबसे पहले हम प्रेषक का पता लिखते हैं और फिर जिस प्रकार औपचारिक पत्रों में विषय लिखा जाता है, अनौपचारिक पत्रों में हम विषय नहीं लिखते हैं, सीधे व्यक्ति को संबोधित करते हैं। जैसे अगर हमें अपने मित्र को पत्र लिखना है, प्रिय मित्र। अगर पिताजी या अन्य संबंधी को पत्र लिखना है, आदरणीय पिताजी, आदरणीय चाचा जी, दादाजी या जो भी हमारा संबंध है। इसके पश्चात हम अपनी बात कहना आरंभ करते हैं, उनकी कुशलता पूछकर और अपनी कुशलता बताकर। फिर विशेष रूप से जो मेन कारण हमारे लिखने का है, वह कारण उस पत्र में हम बताते हैं। आखिर में परिवार के अन्य सदस्यों को नमस्कार करते हुए, छोटों को प्यार करते हुए पत्र का अंत करते हैं और आपका प्रिय पुत्र, प्रिय बेटा, अपना संबंध बताते हुए नमस्कार करके अपने पत्र को पूर्ण कर देते हैं और इस प्रकार हमारे अनौपचारिक पत्र लिखे जाते हैं। नमस्कार बच्चों, आशा करती हूँ आप लोगों को इन दिनों अपनी ऑनलाइन कक्षाओं को पढ़ने में मज़ा आ रहा होगा। इसमें एक नए तरीके से आप पढ़ना और समझना शुरू कर रहे हैं और उनका रिस्पांस भी दे रहे हैं। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। जो भी गृह कार्य आपको दिया जाता है, आप उसे उसी दिन पूरा करके अपने ग्रुप पर भेजें। बच्चों, कल हमने इस कक्षा के अंतर्गत पत्र लेखन सीखा था। पत्र लेखन के अंतर्गत हमने जाना कि पत्र दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक पत्रों के अंतर्गत हमने कल अभ्यास कार्य किया था और आज हम जानेंगे अनौपचारिक पत्रों के बारे में। अनौपचारिक पत्रों को हम अपने संबंधियों और मित्रों को लिखते हैं, जिनमें हम विशेष प्रकार की औपचारिकताओं को पूरा नहीं करते। इसके लिए सबसे पहले हम प्रेषक का पता लिखते हैं और फिर
जिस प्रकार औपचारिक पत्रों में विषय लिखा जाता है, अनौपचारिक पत्रों में हम विषय नहीं लिखते हैं, सीधे व्यक्ति को संबोधित करते हैं। जैसे अगर हमें अपने मित्र को पत्र लिखना है, प्रिय मित्र। अगर पिताजी या अन्य संबंधी को पत्र लिखना है, आदरणीय पिताजी, आदरणीय चाचा जी, दादाजी या जो भी हमारा संबंध है। इसके पश्चात हम अपनी बात कहना आरंभ करते हैं, उनकी कुशलता पूछकर और अपनी कुशलता बताकर। फिर विशेष रूप से जो मेन कारण हमारे लिखने का है, वह कारण उस पत्र में हम बताते हैं। आखिर में परिवार के अन्य सदस्यों को नमस्कार करते हुए, छोटों को प्यार करते हुए पत्र का अंत करते हैं और आपका प्रिय पुत्र, प्रिय बेटा अपना संबंध बताते हुए नमस्कार करके अपने पत्र को पूर्ण कर देते हैं। और इस प्रकार हमारे अनौपचारिक पत्र लिखे जाते हैं।